रोका। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। स्वागत है आपका हमारे खास सेगमेंट हेल्थ मंत्रा में, जिसमें हम आपकी मुलाकात अपने हर अलग सेगमेंट में अलग अलग डॉक्टर से करवाते हैं और अलग अलग आपके जो समाधान है बीमारियों से जुड़ी हम डॉक्टर से जानते हैं। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुनील बिसेन हमारे साथ हैं। हम उनसे जानेंगे कि न्यूरो से रिलेटेड क्या कुछ दिक्कतें सामने आ सकती हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास शो में। सर, आप एक न्यूरो सर्जन हैं, आपकी ये पूरी जर्नी कैसे रही? आपके जो स्पेशलाइजेशंस हैं वो किस में हैं और किस तरह के अब तक आपने पेशेंट्स ट्रीट किए हैं? मैं डॉक्टर सुनील बिसेन हूँ। मैंने MBBS KGM और MS जनरल सर्जरी में KGMC से की थी और न्यूरो सर्जरी में MCH संजय गांधी से 95 में कर ली थी। साथ में DNB किया है न्यूरो सर्जरी में। उसके बाद से मैं प्रैक्टिस, शुरू में मैंने काफ़ी दिन प्रैक्टिस बरेली में की, जिस समय मुझे काफ़ी, उस समय तो हेड इंजरी और कॉमन न्यूरो सर्जरी की प्रॉब्लम्स ही मैं डील करा करता था। फिर बाद में मैं लखनऊ शिफ्ट हुआ तो तब मैंने स्पेशलाइजेशन किया स्पाइनल डिफॉर्मिटी में और तब से मैं इस बाकी न्यूरो सर्जरी, जनरल स्पाइन की ऑपरेशंस और ब्रेन की सर्जरीज के अलावा मैं सब तरह की न्यूरो सर्जरी डील कर रहा हूं, लेकिन मेरा स्पेशल इंटरेस्ट जो है वो स्पाइनल डिफॉर्मिटी में। सर, उत्तर प्रदेश में आप स्पाइनल डिफॉर्मेट्री में काफ़ी प्रसिद्ध हैं, बहुत बड़े बड़े इलाज आपने किए हैं, तो एग्जैक्टली ये है क्या, इसके ट्रीटमेंट्स क्या हैं? स्पाइनल डिफॉर्मिटी का मतलब होता है रीढ़ की विकृतियाँ, हिंदी में हम कहेंगे रीढ़ की विकृतियाँ। विकृति दो तरह की हैं, एक तो जैसे हम लोग देखते हैं जो रीढ़ जो है साइड की तरफ को कर्व कर जाए, इसको हम लोग स्कोलियोसिस कहते हैं, और दूसरा अगर पीछे को कर्व कर जाए तो इसको हम लोग काइफोसिस कहते हैं। हिंदी में दोनों को कुबड़ ही कहा जाता है, आम भाषा में कुबड़ की तरह ही कुबड़ कहा जाता है, लेकिन ये दो तरह की होती है, एक स्कोलियोसिस और एक काइफोसिस। स्कोलियोसिस एग्जैक्टली होता क्या है और क्या ये जेनेटिक होता है या फिर किसी वजह की वजह से कुछ उम्र के बाद, और किस किस एज ग्रुप में पाया जाता है, कि कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप है स्कोलियोसिस होने की? स्कोलियोसिस एक बच्चों के लिए होता है, बच्चों में होता है जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, और बच्चों में भी कई तरह का होता है, और उसमें जो सबसे कॉमन है वो, और दूसरा एज होता है बुढ़ापे में होने वाला। तो बच्चों में होने वाला जो है वो एक तो कंजनाइटल होता है, जो कि आपकी जैसे एक तरफ की हड्डी कम गड़बड़ बनी है, एक हड्डी आधी बनी है तो एक तरफ को कर्व हो जाएगा, वो तो बचपन से ही होता है। तो एक तो कंजनाइटल होता है, जिसमें जैसे कि उनमें से कई वजह हैं, उनमें से सबसे कॉमन वजह होती है कि कोई रीढ़ की वर्टिब्री जो है एक तरफ आधी बनी हो तो वहीं से रीढ़ एक तरफ को टेढ़ी हो जाती है। लेकिन बच्चों में जो सबसे कॉमन होता है वो इडियोपैथिक स्कोलियोसिस होता है। इडियोपैथिक मतलब जिसकी कोई वजह नहीं है, और लेकिन वो वजह कहीं ना कहीं हमारे जेनेटिक्स से रिलेटेड है, क्योंकि जिन फैमिलीज में होता है उनमें ज़्यादा होता है, उन्हीं में ज़्यादा होता है। अगर माँ के है तो बेटी के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और ये लड़कियों में होता है, 90% मरीज इसके लड़की होते हैं, 10% ही लड़कों में होता है। और ये करीब जब एक उम्र आती है जबकि हम लोगों की ग्रोथ तेज़ी से बढ़ती है 10 साल के आसपास, तो ये 10 से 12 साल की उम्र में एकदम से दिखाई देना शुरू होता है और तेज़ी से बढ़ने लगता है इसी पीरियड में। दूसरा वजह और भी हैं, सेकेंडरी भी होता है, जैसे कि कहीं ट्यूमर है रीढ़ में तो उसकी वजह से रीढ़ टेढ़ी हो जाए, वो भी स्कोलियोसिस, और उसमें काइफोसिस भी हो सकता है, स्कोलियोसिस भी हो सकता है। तीसरा बुढ़ापे वाला जो मैंने ओल्ड एज वाला बताया, वो डीजेनरेटिव होता है, हमारी उम्र के साथ जो डीजेनरेशन होता है उसकी वजह से हड्डियाँ टेढ़ी होने लगती हैं, वो डीजेनरेटिव स्कोलियोसिस होता है। आपने भी बताया कि बचपन से बच्चों को होता है, तो क्या माँ के गर्भ से भी ये दिक्कत बच्चों में सामने आता है? हाँ, जो कुछ उनमें से ऐसे हैं जैसे मैंने बताया, अगर हड्डी एक उनकी रीढ़ का
बनावट ही गड़बड़ है, अगर एक तरफ से हड्डी आधी बनी है, जो कॉम्युनिस्ट है इस तरह के, उसमें जो बचपन पैदाइश से ही होता है, तो वो उसको हेमी वर्टिब्री कहते हैं, ठीक है, हेमी वर्टिब्री, ठीक है। तो हेमी वर्टिब्री की वजह से जो होता है वो जन्मजात से होती है, और जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती है वैसे वैसे तेजी से बढ़ने लगता है। डॉक्टर, इसके जो इलाज की अगर बात किया जाए तो ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जिन्हें इलाज के बारे में नहीं पता है, और इसके जो इलाज है वो किस तरह, क्या इनको दवाओं से ही इसे ट्रीट किया जा सकता है, या फिर इसका जो ऑपरेशन है, इसकी जो सर्जरी है वो मैंडेटरी है, बिना सर्जरी के ट्रीटेबल नहीं है? दवाओं से तो स्कोलियोसिस का कोई इलाज नहीं है, ठीक है। इलाज जितना भी है, या तो ज़्यादातर मरीजों को या तो ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है या ऑपरेशन से ही ठीक होगा। अगर बहुत थोड़ा बहुत 10% से ज़्यादा अगर रीढ़ हमारी साइड को टेढ़ी है तो इसको हम लोग कह देंगे कि स्कोलियोसिस है, लेकिन सब इसको 10% टेढ़ेपन को सीधा करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। जब एक 30-40-45 डिग्री से ज़्यादा टेढ़ापन हो जाता है तब इनको ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, और ऑपरेशन के इलाज जो इसके इलाज हैं, जो कि इलाज नहीं है, वो एक थोड़ा सा ग्रोथ को कम करने के लिए हैं, कि बीमारी हम अगर टाइम गेन करना चाहते हैं तो उसमें कुछ जैकेट्स आते हैं, कुछ पीओपी कास्ट होता है, इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन अल्टीमेटली जिनमें डिफॉर्मिटी बढ़ जाती है उनमें ऑपरेशन के अलावा कोई चारा नहीं बनता। अगर बात किया जाए अभी तक के जो अपने पेशेंट्स डील किए, हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को बताएं कि किस किस तरह के जो मरीज हैं वो आते हैं, कितने ज़्यादा उनमें इस दिक्कत हो चुकी होती है, कितनी उनकी रीढ़ की हड्डियाँ टेढ़ी हो चुकी है, हम चाहेंगे एक बार दिखाएं हमारे दर्शकों। मैं आपको कुछ वो दिखाता हूँ, क्योंकि ये लड़कियों में होता है और उस उम्र में होता है जिस उम्र में लड़कियाँ थोड़ी शाई होती हैं, 10-12 साल की उम्र में जब वो शाई होना शुरू हो जाती हैं, और तो कई बार माँ बाप छोटे बच्चों को तो माँ बाप नहलाते हैं, अगर टेढ़ापन होगा, जो हेमी वर्टिब्री मैंने बताया, वो तो बहुत जल्दी आ जाते हैं क्योंकि माँ बाप देख लेते हैं उन्हें, लेकिन अगर 12 साल की उम्र में रीढ़ टेढ़ी होनी शुरू हो तो कई बार वो कपड़ों से शुरू में के स्टेज में हमारे शर्म के बच्चे बता नहीं पाते हैं। मेरे हिसाब से ये वो बच्चे हैं जिनके लिए बहुत से देशों में इनके लिए स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स होते हैं स्कूलों में, 10 साल के 12 साल के बच्चों लड़कियों की, 11 साल और 13 साल की लड़कियों की एग्जामिन करके देखा जाता है कि उनकी रीढ़ टेढ़ी तो नहीं है, और जिन बच्चों को एक बार थोड़ा सा भी रीढ़ टेढ़ी पाई जाती है उनको फिर मॉनिटर किया जाता है हर 6 महीने पे, जिससे कि वो समय उनमें से कुछ बच्चों को, जैसे अगर हम मान के चलें तो 2% के करीब बच्चे 12 साल की लड़कियों में 2% में रीढ़ में थोड़ापन टेढ़ापन होता है, इन्हीं में से 10% में ये ग्रो करता है और उनमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, 2% का 10%। बट अगर हम 100 बच्चों को देखेंगे तो हमें वो 2 बच्चे पहचान में आ जाएंगे, और उन 2 बच्चों में से कहीं जब मतलब हम 1000 में माने तो 20 में से 2 बच्चों को शायद इलाज की जरूरत पड़ेगी आगे। आपने बताया कि लड़कियों में ये ज़्यादा होता है, लड़कों में कम होता है, ऐसा क्यों? कुछ मरीजों के एक्सरे आपको दिखा देता हूँ, जैसे एक ये लड़की थी करीब 13 साल की, तो इसका आप देख सकते हैं कि रीढ़ एक तरफ को 63 डिग्री राइट साइड को बेंड की हुई है। इसमें एक इसके ट्यूमर था चेस्ट में, उस ट्यूमर को ऑपरेट किया गया, उसके बाद फिर इसकी जो टेढ़ापन था उसको सीधा किया गया, इस तरह से ऑपरेट करके इनको सीधा किया जा सकता है। ये ऑपरेशन से पहले का है, ये ऑपरेशन के बाद का है। इसमें ऑपरेशन के बाद एक्चुअली 20-25 डिग्री टेढ़ापन तक बाहर से बिल्कुल दिखाई नहीं देता, ये बच्ची बिल्कुल सीधी दिखती है। मैं आपको बच्ची की फ़ोटो दिखा सकता हूँ, लेकिन वो चीज़ ऐसी होती है जो घर वालों से पूछ के ही किसी को किया, प्राइवेसी की बात होती है।
ये मैंने बताया, अगर पकड़ लिया आपने तो आपको कायदे से 48 डिग्री है, शायद यही समय था इसको ऑपरेट कर देना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया। इस समय होता तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता, बहुत तेजी से ये बढ़ता है। बहुत सब में तेजी से नहीं पड़ता है। मैंने आपसे बताया कि सब बच्चों को अगर वो कर लिया जाए, शुरू से देख लिया जाए, अगर वक्त पे पहचान हो जाए, पहचान लिया जाए, तो जिनका तेजी से बढ़ता है उनको जल्दी ऑपरेट करना पड़ता है। और एक लेकिन अगर किसी के तेजी से बढ़ रहा है तो उनको वेट करने का कोई मतलब नहीं बनता। अभी 48 से 73 हो गया तो डेफिनेटली रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आता है जितना कि 48 में आ गया। 48 का अगर इन्होंने ऑपरेट कर दिया गया होता, ये इसका पोस्ट ऑप है और आप देख सकते हैं काफी पहले से बहुत सीधी है। डॉक्टर, हमने बहुत सारे एक्सरे देखे बच्चों के, 73 डिग्री तक बच्चों के जो पीछे रीढ़ की हड्डियां वो टेढ़ी हो जाती है, इसका चेस्ट पे क्या कुछ असर पड़ता है और किस प्रकार के दर्द और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है पेशेंट्स को? अगर आप मरीज को देखिए, एक तो अगर लड़की को आप इमेजिन करिए कि एक कंधा ऊपर है एक कंधा नीचे है, जिस तरफ को बेंड हो जाता है पीछे की तरफ को, एक तरफ को कूबड़ निकल आता है, एक तरफ से चेस्ट आगे को बल्ज करने लगता है, एक तरफ से पीछे को बल्ज करने लगता है, हाथ ऊपर नीचे है उसका। अच्छा, इसके अलावा पीठ में दर्द भी होने लगता है, बैग अगर स्कूल जाने के लिए टांगेंगे तो उनको पीठ में दर्द होने लगता है। साथ में जब एक लिमिट से ज़्यादा ये हो जाता है, करीब 90 से 100 डिग्री के आसपास हो जाता है, मैं अभी आपको एक आध एक्सरे दिखाऊंगा जिसमें 100 डिग्री से ज़्यादा टेढ़ापन है, तो उसके बाद फिर एक तरफ के सीने में, क्योंकि आप इमेजिन करिए चेस्ट के अंदर जितने ऑर्गन्स हैं या पेट के अंदर जितने ऑर्गन्स हैं वो भी सब एक तरफ से दूसरी तरफ को शिफ्ट होने लगते हैं, तो उसकी वजह से सांस लेने में भी दिक्कत आने लगती है क्योंकि एक तरफ का चेस्ट दब जाता है बहुत ज़्यादा। डॉक्टर, डेथ रेशियो क्या है स्कोलियोसिस का? डेथ तो तभी होगी जबकि 100 से कहीं ज़्यादा वो हो जाता है। अगर आपने ऑपरेट नहीं कराया तो उसी दर्द के साथ आपको अपनी उम्र बढ़ानी होगी। कुछ मरीज मैंने देखे हैं, जैसे एक मरीज मेरे पास आया था, 160 डिग्री का कर्वेचर हो चुका था उसका, उसमें कुछ भी मैं करने की पोजीशन में नहीं था, मेरे ख्याल से उसमें दिक्कत आई होगी शायद। डॉक्टर, अभी एक अच्छा अभियान आप चला रहे हैं, ज़्यादातर गाँव में लोग इसके शिकार नजर आते हैं, आप गाँव में देखेंगे इसके रेशियो ज़्यादा दिखते हैं, तो सरकार का क्या कुछ मदद मिल रहा है इसमें? आपका सरकार की तमाम जो योजनाएं आई है स्वास्थ्य को लेकर के, कितना मदद सरकार की ओर से आपको मिल रहा है? इधर तो हम लोग देख रहे हैं जब से प्रेजेंट गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में आई है, और गरीब मरीजों के लिए सरकार की तरफ से प्राइवेट में इलाज कराने के लिए भी सहायता आती है, और बहुत अच्छी सहायता गरीब मरीजों को मिल रही है। और क्या कुछ योगी? मैंने बहुत से मरीजों को योगी गवर्नमेंट आने के बाद से सरकार से सहायता मिली है, उन्होंने सहायता से इलाज कराया। हमारे दर्शकों के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जिनमें अवेयरनेस नहीं है, जो हमारे गांव के दर्शक हैं जिन्हें नहीं पता स्कोलियोसिस के बारे में, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या कुछ पहचान है कि आप शुरुआती दौर में ही पहचान के और जिंदगी बचा सके स्कोलियोसिस के जो मरीज हैं उनकी? अगर आपकी बेटी के बेटी या बेटा, बेटी के ज़्यादा चांसेस हैं और बेटी के ही जल्दी से बीमारी को पकड़ने में कई बार देरी भी आती है क्योंकि लड़कियां थोड़ी सी शाही होती हैं, इस वजह से अगर एक कंधा ऊंचा नीचा है, थोड़ा सा रीढ़ में एक तरफ से पीठ बल्ज कर रही है, मतलब पीछे को ज़्यादा प्रोमिनेंट है आगे से, या तो सीना एक तरफ से दबा हुआ है, आपको कहीं दोनों तरफ सिमेट्री नहीं दिख रही है बॉडी में, तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें और हो सकता है समय रहते अगर इलाज किया जाएगा तो रिजल्ट ज़्यादा बहुत अच्छा आएगा। और आज के दिन गवर्नमेंट आपकी सहायता कर रही है, तो हमें लगता है कि हर आदमी को अपने बच्चे के समय रहते इलाज कराना चाहिए। डॉक्टर, स्कोलियोसिस का असर क्या कोई दिमाग पे भी पड़ता है इसका? दिमाग पे तो आप कमजोरी आ जाना या फिर ऐसा कुछ असर होता है दिमाग पे? तो क्या, एक देखिए बॉडी इमेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा अपने लिए हमारा कॉन्फिडेंस, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस तो गड़बड़ होगा अगर किसी बच्चे की बॉडी में डिफॉर्मिटी है और उसको पता है कि, क्योंकि कुबड़ को वैसे भी हमारे यहाँ जो कथाओं में मंदिरा, क्या नाम था उसका, मंदोदरी है,
मंथरा, हाँ मंथरा का सब जानते हैं, इट वॉज कहीं ना कहीं कुबड़ को एक नेगेटिव की तरह से, नेगेटिव कैरेक्टर की तरह से हम लोगों के यहाँ समाज में ट्रीट किया गया। हाँ हाँ, जो कि गलत है, जो कि गलत है, लेकिन और अब ऐसा रह भी नहीं गया है, समाज में बहुत चेंज आ गया है, लेकिन डेफिनेटली बच्चों में एक दूसरे की हंसी उड़ाना ये सब हो सकता है। डॉक्टर, आप ट्रीट करते हैं बच्चों को लेकर, हर उम्र के बच्चों को आप ट्रीट करते हैं, ओल्ड एज को भी ट्रीट करते हैं, तो जिन बच्चों को है वो, कितने बच्चे ये भी शिकायत करते हैं कि लोग उनसे अच्छा बिहेव नहीं करते, बच्चे उनके साथ उठना बैठना नहीं पसंद करते, और आप उनका मोरल किस तरह से अप करते हैं कि उनका मोरल डाउन ना हो और वो समान जिंदगी जी सके? अब इसमें, क्योंकि इसमें आप इतना ही बच्चे को हम समझाते हैं कि देखिए इसमें आपकी गलती तो है नहीं, ये तो इसके, ये किसी के साथ भी हो सकता था, बीमारी तो किसी को भी लग सकती है, और अगर वो बीमारी आपको है तो उसमें आप कहाँ से दोषी हैं। तो पेशेंट को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आना चाहिए, और आता भी नहीं है। इधर हम देख रहे हैं बच्चों को अपनी बीमारी को छुपाने की भी वो नहीं है, बिल्कुल दे आर अवेयर, अवेयरनेस बहुत अच्छी हो गई है इधर। और हमने जैसे कई बहुत बच्चे अच्छे अच्छे जॉब्स में हैं, जिन्होंने जब उनको जॉब लग गई है उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन कराया है अपना, और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मार्केटिंग जॉब में थे, मार्केटिंग एमबीए कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन कराया, एंड दे फील वेरी हैप्पी कि नाउ देयर बॉडी पोस्चर इज बेटर देन बिफोर। तो फिर अगर बात किया जाए कि वॉकिंग लोग, एक मिनट बीच में कर, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होने थे वो ये है कि कब ऑपरेट होना चाहिए। तो फिर अभी आपने बताया कि कुछ लोग वॉकिंग हो जाते हैं उसके बाद वो ऑपरेशन कराते हैं, कौन सी ऐसी एग्जैक्ट समय है वो, कौन सा ऐसा एग्जैक्ट ड्यूरेशन है जब आप उस स्कोलियोसिस को पहचान लें और उसको वक्त पे ऑपरेशन करा लें ताकि आपको ज़्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े? जिनको, क्योंकि हम लोग इस समय जो बात कर रहे हैं वो ग्रोइंग एज वाली स्कोलियोसिस की बात कर रहे हैं, जो कि कंजेनाइटल है वो तो बचपन से ही पता लग जाती है, और ये एडोल्स जो इडियोपैथिक स्कोलियोसिस है, ये एडोलिसेंट इडियोपैथिक स्कोलियोसिस कहलाती है, कॉमनेस्ट होती है, सबसे ज़्यादा कॉमन यही है, और ये ज़्यादातर 10 साल से शुरू होती है और 13, 14, 15 होते होते ये उतनी हो जाती है, क्योंकि 40 डिग्री के करीब जब टेढ़ापन आ जाता है तो उससे पहले ऑपरेट कर देना चाहिए। एक ही क्राइटेरिया, कई क्राइटेरिया हैं ऑपरेट करने के, उनमें से एक ये भी है कि 40 डिग्री से ज़्यादा हो तो ऑपरेट कर देना चाहिए, अगर चांसेस हैं उसके कि वो ग्रो कर रहा है। आपने एक बार एक्सरे किया, दूसरी बार एक्सरे किया 6 महीने बाद या साल भर बाद, और आपको लगा कि एक पर्टिकुलर डिग्री से ज़्यादा ग्रो कर गया है, तो उन पेशेंट्स को ऑपरेट कर देना चाहिए। तो अब अगर आप उसमें, लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत जल्दी नहीं ऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि आप जब ऑपरेट करते हैं तो रीढ़ में आप स्क्रू डाल देते हैं, उससे उनकी रीढ़ की ग्रोथ रुकती है, तो एक बैलेंस लेके चलना पड़ता है कि हम बहुत जल्दी ना ऑपरेट करें और बहुत लेट ना हो जाए, जैसे 13 साल से पहले नहीं, और कोशिश होनी चाहिए कि 15 से 17 के बीच में हो जाए। डॉक्टर, आज के वक्त में बहुत ऐसे गरीब लोग हैं जिनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर होगा, पैसे ज़्यादा लगेंगे, तो क्या कुछ खर्चे आते हैं इलाज के? आज के दिन बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है, क्योंकि हम तो लखनऊ में जो कर रहे हैं तो उसमें सब खर्चा उनका मिला के, उसमें दवा, अस्पताल, ऑपरेशन, और उसमें जो इम्प्लांट्स लगते हैं, टाइटेनियम के इम्प्लांट्स लगते हैं, बहुत महंगी चीज़ होती है, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि वो एक एवरेज फैमिली, गरीबों के लिए तो डेफिनेटली हम कहेंगे कि 3.5-3 लाख रुपए खर्चा भी बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, तो उसमें कहीं उनको कुछ सहायता सरकार से भी मिल जाती है जो बहुत गरीब होते हैं, बट बाकियों के लिए 3-3.5-4 के बीच में सबका ऑपरेशन हो जाता है, सब पूरा दवा सब कुछ मिला के। बिल्कुल डॉक्टर, कुछ ऐसी ज़रूरी बातें जो आप स्कोलियोसिस के पेशेंट और उनके माँ बाप के लिए कहना चाहेंगे जिनके बच्चे उस बीमारी से ग्रसित हैं और इन मुश्किलों का सामना कर रहे हैं आज के दौर में? अगर आपके घर में किसी को
स्कोलियोसिस आपको लगता है कि उनकी रीढ़ में विकृति है, चाहे कुबड़ कुबड़ है, चाहे आगे को झुका है, चाहे साइड को झुका है, तो उसको समय रहते जल्दी से इलाज करा लें। और आज के दिन इलाज बहुत महंगा नहीं है और बहुत सी एजेंसीज हैं जो आपकी हेल्प करती हैं, और इसको ऑपरेशन उतना आज के दिन इसमें खतरा भी नहीं है। खतरे पहले इसमें बहुत चांसेस होते थे, माना जाता था कि पैरालिसिस बहुत कॉमन है और ऑपरेशन में डेथ होने का डर है। अब ये सब चीज़ें बहुत कम हो गई हैं, काफ़ी सेफ हो गई है अब सर्जरी। आपने डेथ की बात करी, एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे लेना चाहूँगी आपके इस कम वक्त में। आपने डेथ रेट की बात करी, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो डेथ से डरते हैं, उन्हें लगता है कि ऑपरेशन में डेथ हो जाएगा, तो स्कोलियोसिस का ऑपरेशन कितना सेफ है और डेथ रेशियो है? ये रीढ़ के ऑपरेशन को हमारे देश में, हर रीढ़ के ऑपरेशन को, चाहे वो शियाटिका का हो, चाहे डिस्क का हो, चाहे स्पाइन के ट्यूमर का हो, चाहे स्पाइन की चोट का हो, चाहे स्पाइन की टीबी का हो, लोगों के दिमाग में रहता है कि रीढ़ का ऑपरेशन कराएंगे तो कहीं फालिश ना हो जाए, पैर ना खराब हो जाए, रीढ़ का ऑपरेशन कराएंगे कहीं ऑपरेशन बहुत मुश्किल ना हो, कहीं ऑपरेशन के बाद डेथ ना हो जाए। लेकिन पहली बात तो डेथ, अब आज के दिन एनेस्थीसिया बहुत सेफ हो गया है, और जहाँ तक ऑपरेशन का बात है, फालिश होने की बात, फालिश होना भी अब बहुत रेयर हो गया है। अगर एक्सपर्ट से आप ऑपरेट करा रहे हैं तो फालिश होना बहुत रेयर है और कोई वजह नहीं है कि फालिश होनी चाहिए बहुत। लेकिन हाँ, किसी किसी पेशेंट में कभी कभी अनहोनी होती हैं और नॉन कॉम्प्लिकेशंस हैं, कभी कभी हो सकते हैं। तो ये डॉक्टर सुनील सिंह बिसेन हमारे खास सेगमेंट में आ चुके, जिन्होंने बताया कि स्कोलियोसिस, जिसको लेके श्राप मानते हैं, अभिशाप मानते हैं, अगर हो गया तो लोग उनको अलग नज़रों से देखते हैं, सोसाइटी में उन बच्चों को जगह नहीं मिलती, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हो। उन्होंने बताया कि कितना इजी है इसका ऑपरेशन और आज के समय में ट्रीटेबल है। आज के हमारे खास सेगमेंट में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। धन्यवाद। एक क्वेश्चन हमने रोक रखा था, एक वो इस कोई कठिन ऑपरेशन के बारे में, तो वो चीज़ हम, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट वही, तो बीच में ऐड कर लेना, बीच में आप वो कर, आप उसी कि कोई आप ऑपरेशन दिखाना चाहेंगे, जिससे कोई 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 किसी मरीज का दिखाना चाहेंगे, इस तरह का कोई मरीज आप कोई, हाँ कोई बहुत कठिन इस तरह। डॉक्टर, आज तक के कार्यकाल में कोई ऐसा जो मरीज हो जिसका ऑपरेशन करना बेहद ही मुश्किल रहा हो आपको, या फिर ऐसा क्रिटिकल कंडीशन कि अब उसको ऑपरेशन नहीं हो सकता, बहुत वक्त बीत चुका है, क्या आपने अपने पूरे कार्यकाल में अभी तक के किसी ऐसे मरीज को ट्रीट किया है? ऐसे बहुत से किए हैं और जिनको लगा था कि बहुत कठिन होगा, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि जो टेढ़ापन है वो बहुत ज़्यादा ना हो, जिस समय जिससे कि रिजल्ट आए तो एक आइडियल रिजल्ट आए। लेकिन मरीज जब आएगा तो वो तो अगर 13-15 साल की जगह वो अगर 28 साल पे आया है तो आप उसको पीछे तो जा नहीं सकते, आपको 28 साल की उम्र में ही उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो वो चीज़ तो उसमें आप, हम एक्सप्लेन पहले से कर देते हैं कि इसमें इतने परसेंटेज करेक्शन हो पाएगा, इतने को हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उम्र के साथ हड्डियाँ थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी उनकी ख़त्म हो जाती है, मैच्योर हो जाती है और उतना अच्छा करेक्शन नहीं हो पाता है। मैं आपको एक एक्सरे दिखाना चाहूँगा एक बच्चे का, ये बड़ा नहीं है लेकिन इस कुछ मैसेज शायद ये लोगों को पहुँचा दे। ये एक बच्चे का एक्सरे है जिसको जब पहली बार किसी डॉक्टर ने देखा है तो उस समय ये करीब 66 डिग्री के करीब कर्वेचर था। ये एक बहुत आइडियल सिचुएशन थी कि उसी समय अगर ऑपरेशन हो गया होता तो ये बिल्कुल करेक्ट हो गया होता, लेकिन एक 1.5 साल तक ये कहीं इधर उधर गए, इनको किसी ने कहीं गलत जगह इधर उधर पहुँच दिखाने कहीं बाहर गए थे। बाद में इनको जब पता लगा, तब तक इनका ये बहुत ज़्यादा टेढ़ा हो चुका था, ये 104 डिग्री के करीब एक टेढ़ा हो गया था। अब इस स्टेज में, शुरुआत की बात है, कई साल पुरानी बात हो गई है, इस समय हम इतना टेढ़े को सीधा करना और बच्चे में सीधा करने की एक बार सोचना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। अरे यार,
104 डिग्री टेढ़ा हो गया था, लेकिन घर वालों ने कहा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसको करके देखिए, इसको कर दीजिए ऑपरेट। तो हम लोगों ने ऑपरेशन किया और रिजल्ट जो है बहुत अच्छा आया, बच्चे को बहुत अच्छे रिजल्ट था। सही वक्त पे जान पाना भी कि इसका ऑपरेशन सही वक्त पे कब कराना, एक बहुत ही अहम साबित हो सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, अगर आप सही उम्र में ये जान ले सही वक्त में कि अभी ऑपरेशन का वक्त है। ये इन्होंने ये समझ लिया था, इनके साथ दिक्कत ये थी कि इनको ये तो सब घर वालों को ये समझ में आ गया ऑपरेशन होना है, लेकिन ये किससे ऑपरेट कराएं इनको ये नहीं पता था कि इसका ऑपरेशन उस समय लखनऊ में होता है, तो इसलिए थोड़ा सा इधर उधर ये भटक गए। अभी आपने जो पेशेंट का हमें एक्सरे दिखाया, काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन नज़र आ रहा था डॉक्टर, एक हद तक इनकी हड्डियाँ टेढ़ी हो चुकी थी, अभी ये कैसे हैं और अपनी ज़िंदगी कैसे जी रहे हैं? इन्होंने एक अपना वीडियो बना के उसमें वीडियो उस पर डाल रखा है यूट्यूब पे, एंड बहुत अच्छे से ये बच्ची पढ़ रही है और बहुत अच्छी, बहुत ब्रिलियंट बच्ची है, पढ़ने में बहुत अच्छी बच्ची है और काफ़ी सीधी है। आज का स्पेशल सेगमेंट में हमने आपकी मुलाकात डॉक्टर सुनील बिशेन से कराई, जो एक न्यूरोसर्जन है और जिन्होंने बताया कि स्कोलिसिस, जिसको लोग श्राप मानते हैं, वो बिल्कुल श्राप नहीं है, वो ट्रीटेबल है, बड़े से बड़ा और मुश्किल से मुश्किल कंडीशन भी ट्रीटेबल है स्कोलिसिस का। देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल प्राइम टीवी, अभी तक आप देख रहे थे जियो टीवी, एमएक्स प्लेयर के साथ साथ कई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर, और अब ये आ गया है नेटविजन के चैनल नंबर 241 पर। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। कुछ रोड मैप है, 5 साल में हम क्या कर सकते हैं, सारा रोड मैप तैयार हो रहा, हर विभागों का अलग अलग।